हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो लेटर टू एडिटर होता है उसका पूरा फॉर्मेट हम देखेंगे और किस तरीके से हम लोगों को वो लेटर लिखना चाहिए और जो टॉपिक है किस तरीके से उसमें पढ़ना चाहिए वो पूरा हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है। दिस समर वी एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द हॉटेस्ट समर्स विद द मर्क्यूरी सोरिंग टू द रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी जो बढ़ती जा रही है उसके बारे में जो प्रॉब्लम है वो हमें बताई गई है कि इस समर जो है, इस बार की जो गर्मियाँ पड़ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं, पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी। यूजिंग आइडियाज़ फ्रॉम द इनपुट गिवन बिलो एज वेल एज़ फ्रॉम द यूनिट एनवायरमेंट राइट अ लेटर। मतलब आपको आइडियाज़ गिवन बिलो क्वेश्चन में ये है, तो आप ऐसे जैसे कि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आपको आइडियाज़ दिए होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफोरेस्टेशन और लैक ऑफ रेन, इस टाइप के आपको आइडियाज़ दिए होते हैं, उससे बना करके, उससे हेल्प लेकर के आप अपना लेटर लिख सकते हैं। तो हमें इसमें लेटर लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में। एडिटर को एक न्यूज़पेपर के एक्सप्रेस करने हैं आपका ओपिनियन कि आपको क्या लगता है कि जो टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ रहा है, और फिर उसके आपको मेजर्स बताने हैं, ऐसे वेज भी बताने हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको आप कैसे कम कर सकते हैं और अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखते हैं, ठीक है? तो आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो लिख सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें लिखा है A15 टीचर्स एनक्लेव रोहिणी दिल्ली, तो हमने 3 लाइन में अपना एड्रेस लिख दिया। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं द एडिटर, जिसको भी आप, जिस भी न्यूज़पेपर को लिखना है, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर उस जगह का नाम जहाँ पे आपको लेटर भेजना है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। फिर आता है एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट, सोरिंग ग्लोबल वार्मिंग। सोरिंग का मतलब है बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है उसका ये वो वाला हमारे सब्जेक्ट पे हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो फिर आप सर या मैम दोनों ही लिख देंगे, क्योंकि आपको जनरली नहीं पता होता कि एडिटर फीमेल है या मेल है, तो सर मैम आप दोनों ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब आगे है इसका जो लेटर का फॉर्मेट है, इसमें हम बॉडी पार्ट में आ गए हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेट दैट दिस समर इज़ द हॉटेस्ट समर ऑफ ऑल। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ये जो गर्मियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा, अभी तक जितनी भी गर्मियों के मौसम आए हैं उस पर सबसे ज़्यादा गर्म होगी। एज द मर्करी सोर टू द हाइएस्ट टेम्परेचर, मर्करी में टेम्परेचर जो है, जो मर्करी थर्मोमीटर होता है ना, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमें। ह्यूमन बींग्स आर सोलरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। और ये जो दिक्कत हो रही है ना कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसके जो जिम्मेदार हैं वो हम इंसान ही हैं। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेज आर एमिटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, बाय एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे एनवायरमेंट में बढ़ती जा रही है, यही गर्मी होने का कारण है। तो हम लोग क्या है, फ्यूल यूज़ करते हैं, कार चलाते हैं और ट्रक्स, ये सारे के सारे व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं, फैक्ट्रियों में जो काम चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं फ्रॉम ACs, एयर कंडीशनर्स, फर्दर एड्स टू द राइजिंग टेम्परेचर। मोर ओवर देयर आरेंट एनफ ट्रीज टू एब्जॉर्ब सच अ ह्यूज बर्डन। तो देखिए, जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक गैसेस जो हैं, फ्लोराइड की जो गैसेस होती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में मदद करती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा देती हैं। और ये ACs से देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी बाहर निकलती है, तो ACs भी बहुत बड़ा कारण है टेम्परेचर बढ़ने का, गर्मियाँ, गर्मी ज़्यादा होने का हमारे वातावरण में। और क्या हो रहा है, अब हम लोगों ने गर्मी बढ़ाने की तो बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, और ट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो क्या है, उनको हम काटे जा रहे हैं। तो दस हीट गेट्स ट्रैप विद इन द एटमोसफेयर रिजल्टिंग इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो हीट जो है वो ट्रैप सी हो जा रही है, एकदम से बंद सी हो जा रही है हमारे एनवायरनमेंट में, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पीपल अर्जेंटली नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन टू कॉम्बैट पोल्यूशन। तो हम लोगों को, पीपल, सब लोगों को अवेयर होना चाहिए इस बारे में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि जो है पोल्यूशन, अब हमें सोल्यूशन देना था ना, तो पेड़ हम लगाएं, ये हमारा सोल्यूशन है, ताकि हम लोग जो प्रदूषण हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, इसको हम किसी तरीके से टैकल कर पाएँ। फिर आगे बोलते हैं कि आई सिंसियरली बिलीव दैट थ्रू अ
कलेक्टिव एफर्ट वी कैन रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सिक्योर अ हेल्दी प्लानट फॉर आर सेल्फ। तो ये कहते हैं लास्ट में कि मैं बिल्कुल समझते हूँ ये बात को कि हम लोग अगर सब साथ मिलकर के कलेक्टिव एफर्ट सब साथ मिलकर के काम करें तो हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं चीज़ों को, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, जो हमारा वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर हम लोग सही मेजर्स लें, कार इंडस्ट्रीज इन सब पर लिमिट लगाएँ, पेड़ ज़्यादा लगाएँ, तो जो है बैलेंस हम बना सकते हैं और प्लानट हमारा हेल्दी हो सकता है। फिर योर सिंसियरली, फिर उसके नीचे आप अपना नाम या जो भी क्वेश्चन में अगर नेम गिवन है तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे हम लोगों ने देख लिया लेटर टू एडिटर। इससे पहले जो है मैं दो लेटर टू एडिटर और बना चुकी हूँ। फॉर्मेट देखिए बिल्कुल जो है आपका रहेगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से आपको एड्रेस लिखना है, फिर डेट, फिर लेटर टू एडिटर, सब्जेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से रन कर लीजिए। और बॉडी आप कई सारे, मैं आपको कई सारे वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँगी, मतलब जितने मतलब इन्वायरमेंट पे आ सकता है, एक जैसे फीमेल फिटिसाइड वाला हम लोगों ने इससे पहले देख लिया, फिर पोल्यूशन पे आ सकता है, तो इससे रिलेटेड मैं और आपको प्रोवाइड कर दूंगी और आपका पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू।